हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का स्वागत है फिर से नई वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो हमारा जो NCF का टॉपिक चल रहा था उसी से रिलेटेड है, जिसका आज पार्ट 3 देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 2 देख लिया था, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने NCF के बारे में देखा था कि NCF क्या है और NCF के प्रकार, NCF के लिए जो पाठ्यक्रम के प्रकार है, पाठ्यक्रम के सिद्धांत है, वो सब देख लिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका लक्ष्य क्या है और इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट है NCF 2005 की आवश्यकता या महत्व, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। देखिए, मैंने आपको बताया था जो NCF है वो पाठ्यक्रम से निर्माण के लिए एक नवाचार पद्धति है, कि पाठ्यक्रम में सुधार किया गया है और पाठ्यक्रम के निर्माण किस प्रकार होना चाहिए, किन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से NCF का गठन किया गया प्रोफेसर यशपाल की समिति के द्वारा। ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब आइए देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारी आवश्यकता के लिए, अध्यापकों की संतुष्टि के लिए पाठ्यक्रम निर्माण में उनकी सहायता लेना। देखिए, NCF की आवश्यकता क्यों पड़ी कि अध्यापक जो हैं, टीचर जो हैं, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए पाठ्यक्रम निर्माण में उनकी सहायता लेना। देखिए, एक अध्यापक ही शिक्षक की जो शिक्षण है उसके लिए जो उचित मार्गदर्शन है वो दे सकता है कि शिक्षण में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है और उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। इसलिए अध्यापकों को इसमें योगदान लेने के लिए, इसमें पाठ्यक्रम निर्माण में उनका योगदान देने के लिए NCF की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण विधियों में सुधार एवं विकास हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता का होना। देखिए, पाठ्यक्रम में सुधार करना, क्योंकि शिक्षण विधियों में सुधार करना, उनमें विकास करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ी। ज्ञातव्य है कि विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग पाठ्यक्रम पर ही आधारित होता है। देखिए, जो शिक्षण विधियां हैं उनका उपयोग किस पर आधारित होता है, पाठ्यक्रम के अनुसार ही जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड यूज किए जाते हैं। अतः नवीन पाठ्यक्रम द्वारा उन विधियों में सुधार और परिवर्तन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि NCF की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो अध्यापक है उनका योगदान लिया जा सके कि पाठ्यक्रम का किस प्रकार होना चाहिए, इसलिए अध्यापकों की सहायता लेने के लिए, शिक्षण विधियों में सुधार के लिए, उनके विकास के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ी एक नवीन पाठ्यक्रम की। NCF का उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम में सुधार करना ही था जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो पाठ्यक्रम में सुधार क्यों पड़ा, उसके लिए NCF की आवश्यकता की गई। देखिए, नवीन पाठ्यक्रम द्वारा उन शिक्षण विधियों में सुधार और परिवर्धन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम में नवीन तथ्यों एवं शोधकर्ताओं के निष्कर्षों को शामिल करने हेतु। देखिए, जो नवीन रिसर्च हुई है, शोधकर्ता हैं, उनके जो निष्कर्ष निकाले हैं उनको शामिल किया जाए। पुराने पाठ्यक्रम में जो डेटास थे वो पुराने थे और न्यू डेटास डालने के लिए पाठ्यक्रम में पुनः सुधार किया जाना चाहिए, इसलिए NCF की आवश्यकता हुई। आगे, कक्षा कक्ष शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता बनी। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता हुई। तो ये सभी आवश्यकताएं हैं, आपको ध्यान रखना है, पाठ्यक्रम में नवीन तथ्यों आवश्यकताओं को जोड़ने के लिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए और अध्यापक की संतुष्टि के लिए। तो ये सभी NCF की आवश्यकता थी। नेक्स्ट है, भाषा समस्या के निदान हेतु नवीन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता। और अंतिम है, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। तो फ्रेंड्स, ये सभी थे NCF की आवश्यकताएं। अब देखते हैं NCF 2005 के क्या क्या लक्ष्य रहे हैं। लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस आए हैं वो इस टॉपिक से उठकर आए हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए NCF 2005 के क्या लक्ष्य हैं, अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना। दूसरा है, शिक्षण संस्थानों में समन्वय स्थापित करना, स्तरानुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग, अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास करना, शारीरिक और मानसिक विकास में समन्वय स्थापित करना। तो देखिए क्या क्या देखा हमने, अभिभावकों जो अभिभावक हैं उनकी जो आकांक्षाएं उनकी पूर्ति हुई है इससे, शिक्षण संस्थानों में समन्वय स्थापित है, शिक्षण विधियों में स्तरानुकूल उपयोग किया जा रहा है, जो टीचर है उसमें भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो सका है, शारीरिक और मानसिक विकास डेवलप हुआ है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास में भी मानवीय मूल्यों का विकास करना, प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था स्थापित करना, विद्यार्थियों में पढ़ने के लिए रुचि जागृत करना,
और लास्ट है भारतीय संस्कृति का संरक्षण विकास एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। ये पॉइंट है जो आपके लास्ट टाइम जो नीट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आपको ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये सारे ध्यान होने होंगे, तो आपको इससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है, जो क्वेश्चन आएंगे उनका डेफिनेटली आप आंसर दे पाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, NCF की आवश्यकता है, उसके लक्ष्य और उसके मार्ग में क्या क्या बाधा है उसके बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए NCF की हमने लक्ष्य देख लिए हैं, अब इसकी बाधाएं देखते हैं कि किसके बाधाएं कौन कौन सी हैं। रूढ़िवादिता के कारण यौन शिक्षा जैसे पाठ्यक्रम विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सकना। देखिए जो नवीन पाठ्यक्रम में उसमें कुछ विषय वस्तु ऐसी होती हैं उन पर रूढ़िवादिता के कारण उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सकता। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे पद्मावत जो फिल्म आ रही है उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं। अगर नवीन पाठ्यक्रम में पद्मावती के बारे में उल्लेख होता तो ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो नहीं होती है। तो रूढ़िवादिता के कारण कुछ पाठ्यक्रम में विषय शामिल नहीं कर पाए जाते हैं क्योंकि कम्युनिटी जो उसका विरोध कर देती है। तो इस वजह से NCF में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुज हैं उनको नहीं ला पाते हैं। और जैसे कि आप लोग अब देख रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें नवीन पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है। आप खुद देख रहे होंगे NCERT जो है उसके पाठ्यक्रम में हमेशा हम देख रहे हैं प्रतिवर्ष उसमें नए नए टॉपिक्स जोड़े जाते हैं और सिलेबस चेंज किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? बिकॉज जो शिक्षण व्यवस्था है शिक्षण प्रणाली उसमें सुधार करने के लिए कुछ विद्यार्थियों को नवीन तथ्य वगैरह जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर ऊपर जो नवीन शोध हैं उन नवीन तथ्य हैं उनके निष्कर्षों को उसमें शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम में दिनों दिन परिवर्तन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग बाधाएं देख रहे थे। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन उचित रूप से नहीं हो पाने से लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। देखिए जो पाठ्यक्रम में बिंदु जो डाले जाने चाहिए उनका क्रियान्वयन सही नहीं हो पाता है जिससे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, जिससे टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है या कुछ प्रिंट नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन सही रूप से नहीं हो पाता है। तो ये भी एक प्रमुख बाधाएं हैं। लास्ट ही है आर्थिक समस्या भी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की सफलता में बाधा है। पाठ्यक्रम में कंप्यूटर शिक्षा को आवश्यक समझा गया है किंतु आर्थिक समस्या के कारण यह प्रत्येक विद्यालय में संभव नहीं हो पाया है। तो ये सभी जो NCF है उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं थी कि रूढ़िवादिता के कारण पाठ्यक्रम में कुछ विषय नहीं जोड़े पा पाते हैं, पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन उचित रूप से नहीं हो पाने से भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं और आर्थिक समस्याओं के कारण भी ये बाधाएं आ रही हैं। तो पाठ्यक्रम में कंप्यूटर शिक्षा को आवश्यक समझा गया है किंतु आर्थिक समस्या के कारण ये विद्यालय में संभव नहीं हो पाई है। तो फ्रेंड्स हमने देखा NCF के मार्ग में क्या बाधाएं आ रही थी, NCF के लक्ष्य क्या हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये पता होने चाहिए, आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न करने हैं क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं आपके यहीं से पुटअप होंगे। जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था वो सभी स्टूडेंट्स को लर्न होगा, लेकिन जो क्वेश्चंस मेनली जो आ रहे हैं वो आपके इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि किस टाइप से इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो देखिए NCERT के अकॉर्डिंग प्राथमिक स्तर पर किस टाइप का शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा में होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पाठ्यक्रम रूपरेखा का गठन किस शिक्षाविद की अध्यक्षता में किया गया था, ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया था पार्ट 1 में, तो प्रोफेसर यस पारके द्वारा गठित की गई समिति की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का सूखे सूत्र है, तो इसका सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में। ओके नेक्स्ट देखिए NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है ए सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, बी छात्रों के व्यक्तित्व मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, सी है केवल ए सही है और डी ए और दो
ए और बी दोनों सही है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। देखिए कला शिक्षा को जोड़ने से क्या होगा, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा भी होगी और छात्रों के व्यक्तित्व मानसिक स्वास्थ्य को भी विकसित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये हम मैंने आपको बताएं और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है कि एनसीएफ के अनुसार पाठ्यक्रम के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है। साथियों के नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ के 2005 जो है उसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको इंग्लिश में, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आती हूँ, सिर्फ आपका एक बिग थम्सअप चाहिए मुझे जस्ट टू कि हाँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं। और आप लोगों को कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप दोनों क्वेश्चन के आंसर भी मुझे कमेंट में करके बताएं। और वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब की लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।